तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं काम वगैरह सब कवर कर रही हूँ क्योंकि आज मेरी तबीयत है बहुत ज्यादा डाउन और इसी वजह से आज मेरा मन भी बहुत कम कर रहा है, लेकिन काम तो सारा मुझे करना ही पड़ेगा। काम भी काफी सारा है, किचन वगैरह मैंने सब साफ कर दिया है और मैं जब बिस्तर वगैरह सब झाड़ वाड़ के और झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, फिर इसको भी नहलाना है, वह खुद भी नहाऊंगी। फिर टाइम काफी हो जाता है और फिर काम रह जाता है, तो क्योंकि अभी टाइम हो गया 9:30, तो मैं अब कर लेती हूँ किचन। मेरी सारी साफ सफाई हो गई है, कमरे की कर कुरा के मैं नहा धो के हो जाऊंगी रेडी। और इसको बस फोन यूं देख रहा था, मेरे पास फोन है तो ये पीछे पड़ जाता है कि फोन, अब मुझे फोन चाहिए। हे गाइस, तो कमरे का हाल देख लो, मैं अभी सारी सफाई कर रही हूँ, बिस्तर वगैरह सब झाड़ रही हूँ, ये जो ब्लैंकेट है सब मैं फोल्ड वगैरह करके, मैंने नीचे दरी बिछा दी थी वो दरी मैं अभी हटा के और किचन मैंने साफ कर दी है, साथ में मैं अभी यहाँ से सारा साफ करूंगी, आधी झाड़ू लगा के दरी उठाऊंगी, अभी सारा सफाई करूंगी। डेविन कहाँ जा बेटा, इधर आ जाओ, कहाँ जा रहे है? हाँ नो नहीं बेटा, बस इसको फोन देखना है, बस ट्रैक्टर ट्रैक्टर ट्रैक्टर। तो मेरा काम काफी सारा फैला हुआ है, मैं अभी बिस्तर वगैरह सब झाड़ रही थी, मच्छरदानी वगैरह सब अभी खोलूंगी क्योंकि अभी ऑफिस जा चुके हैं और जाने के बाद ही सारा काम होता है। क्या बेटा? नो हाँ, हाथ कितने ठंडे हैं तेरे, हैं? देख क्या काट लिया, पापा ने काट भाई ने काट लिया, और किसने काटा, भाई ने। थक गए, काम मेरे सारे हो गए हैं, बस लास्ट बचा है मेरा ये कपड़ा जो मैं कल मैंने धोए थे, ये मैं उतार के ले आई हूँ, इनको मैं लगाऊंगी तय। और मेरे बेटे को देख लो, डेविन क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो? बहुत ज्यादा शरारती हो गया सच में, परेशान कर देता है। कल मैंने सोचा था कि एक मतलब थोड़े बहुत था, 2-4 इसी के होंगे, धोते 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 मतलब एक राउंड जितने कपड़े हो गए, जितने मशीन में एक राउंड में धुलते ना इतने कपड़े हो गए, मतलब थक गई धो धो के। ये सही है, निकालो एक और निकालने धोने रख जाओ तो पता नहीं कितने निकल जाते हैं धोने, सोचती हूँ एक धोंगी, दो चार है बस इसी इसकी इसके हैं, और धोने के लिए बैठो तो फिर ये पूरा ही राउंड निकल जाता है। खाने में आज मैंने बनाया है आज आलू और शिमला की सब्जी और रोटी, बस और कुछ नहीं बनाया आज, यही बनाया है फिलहाल। क्या है ये? हे गाइस, तो मैं खाना लेके जा रही हूँ ऊपर मम्मी के लिए, और तो मैंने अभी अभी गर्मा गर्म अभी मैंने रोटी बनाई है और प्याज भी काट रही हूँ सलाद के लिए, तो वो सिर्फ उनको प्याज ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं प्याज भी काट लेती हूँ। मैंने बनाई है आलू और शिमला की सब्जी, साथ में रोटी, दाल भी रखी हुई है थोड़ी सी, तो वो तो खाएंगे नहीं शायद मेरे ख्याल से। तो मैंने खाना निकाल लिया और मैं अब देने जा रही हूँ, देख सकते हैं आप, उनको थोड़ा सा गुड़ भी अच्छा लगता है रोटी के साथ, तो मैंने निकाल लिया थोड़ा सा गुड़, सब्जी प्याज में प्याज और साथ में रोटी, तो मैं देने जा रही हूँ, ऊपर से देके आती हूँ। हे गाइस, तो मैं बना रही हूँ, शाम हो गई है, शाम होने के बाद तो ये शाम का खाना भी देखा जाता है कि बनाना क्या है, तो मैं मसाले वसाले की तैयारी कर रही हूँ, मैं बनाऊंगी सब्जी, छोले बनाऊंगी और साथ में चावल बनाऊंगी, तो मैं उसका मसाला रेडी कर लेती हूँ। और अभी टमाटर वगैरह मेरे को सब काटना है, तो मैं टमाटर वगैरह सब काट लेती हूँ, लहसुन मसाला तो मैंने सब कुछ काट लिया, बस एक
यही रहता है टमाटर, तो मैं उसको डाल के ग्राइंड कर लेती हूँ और उसके बाद मैं बनाऊंगी। तो शाम हो गई थी, मैंने चाय वगैरह पी लिया और मैं मेरे बेटे के लिए देखती हूँ क्या बनाऊं। बहुत नकचढ़ाया, खा के कुछ तैयार नहीं होता बिल्कुल भी, कोई चीज भी खा के मतलब उसको खाने का मन ही नहीं करता, पता नहीं होता क्या उसको, बिल्कुल खाना खाने का उसका, क्या बोलूं मैं, उसका खाना खाने का मन ही नहीं करता। बहुत मुश्किल से उसको मैं खिलाती हूँ, कुछ भी खिलाऊं, चाहे मैं बनाना खिलाऊं, एप्पल नहीं खाता है, बनाना भी पहले खाता था बट अब नहीं खाता है, पता नहीं क्या हो गया उसको, और खाना तो कुछ भी नहीं खाना, बाय चांस कभी हाफ रोटी इतना ही, हाफ रोटी चीनी के साथ, कई बार आलू के साथ बस। तो मैं मसाले की तैयारी कर रही हूँ, मैंने मसाला इसमें निकाल लिया है, देख सकते हैं सारी चीजें इसमें, टमाटर अभी काटूंगी, मैंने थोड़ा सा काटा है, लहसुन, मिर्च, अदरक, धनिया, काली मिर्च और जीरा, ये सारा मैं पीस के इसमें अच्छे से पेस्ट, इसका अच्छा पेस्ट बना लूंगी और उसके बाद मैं इनको अच्छे से तेल में भून लूंगी। तो मैंने अभी टमाटर काटा नहीं है, मैं अपने टमाटर अभी काटूंगी, इसको सारा पेस्ट एक ही बार में बना देती हूँ, एक और टमाटर एक और प्याज का, ऐसा तो बहुत टाइम लग जाता है भाई, बच्चा छोटा है, मेरे को काम भी बहुत होता है। काफी बड़ा टमाटर है, एक ही में हो जाएगा ये तो, इतना बड़ा टमाटर है, पूरा जग भर गया, कितना बड़ा टमाटर, बिल्कुल इतना बड़ा टमाटर था। देखना बिल्कुल भर कितना सारा हो गया है। गया है मेरा मसाला और मैं अब इसको अच्छे से ऐसे रख दूंगी। तो मेरा मसाला दिखाती हूँ मैं आपको कितना अच्छा पिस गया है। और मैं साथ में बना रही हूँ क्या, चावल, तो मैंने चावल धो लिए हैं और अब मैं चावल दिखेगा कम ऐसे दिखा देती हूँ, चावल मैंने धो लिया, मैं इसमें डाल देती हूँ मैं चावल। कुकर में बनाती हूँ मैं ज्यादातर ना कच्चे चावल ही बनाती हूँ, पक्के नहीं खाती, पापा के लिए बनाती हूँ, पक्के पापा खाते हैं उनके लिए मैं पक्के बना देती हूँ।
मैंने रख दिए हैं चावल। मैंने डिब्बे में डाला नहीं, चावल थोड़े से खत्म हो गए थे चावल, तो मैं थोड़ा ही मंगवाया था मैंने इनसे। गाइस मैं बना रही हूँ हॉट डॉग, तो ये है इसका ब्रेड और इसको मैं बीच में से मैंने इस तरह से कट करके और ये लगा दिया और इसको अच्छे से फोल्ड कर दूंगी। और मैंने मंगवाया है चाउमीन, जो कि मैं इसमें मिक्स करके उसको अच्छे से मैं मिक्स करके इसमें ऐसे भर के और तवे पे सेक दूंगी चाय के साथ ही, टेस्टी टेस्टी। तो मैंने हॉट डॉग बनाने के लिए ये इनके पीसेस काट लिए हैं और साथ में मैंने ये प्याज मैंने इनमें चॉप कर रखा है, तो मैं सब में थोड़ा थोड़ा प्याज डाल दूंगी। इस तरह से डालने के बाद अब इसमें डालूंगी मैं चाउमीन। तो मेरी टेस्टी टेस्टी रेसिपी बनके तैयार है। वाकई में बहुत ही टेस्टी बना है।